हेलो इंडिया, मुक्तालियो गुड लाइन्स रेसिपीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं स्पेशल गुजिया बना रही हूँ, जिसे आप विंटर में तो खा ही सकते हैं, साथ ही आप इसे मकर संक्रांति में बना सकते हैं, लोहड़ी में बना सकती हैं, या फिर आप इसे पोंगल में भी बना सकते हैं। ये गुजिया खाने में टेस्टी है, साथ ही बनाने में भी बहुत आसान है। बहुत कम सामान के साथ इसे बनाया जा सकता है और बहुत जल्दी बनता है। तो ये वीडियो या रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन के बाद आता है एक ऑल का नोटिफिकेशन, उसे भी ऑन करें। इससे मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम गुजिया का कवर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप तेल। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल और मैदा को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैं तेल को पूरी तरीके से नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और इसको हाथों से अच्छे से मसल लिया है, जिससे कि जो मैदा में तेल अच्छे से मिल चुका है, हमारा मोयन अच्छे से इसमें लग चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मुलायम चिकना डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर डो रेडी हो चुका है, अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पर एक पैन को मैंने गरम किया है और गरम पैन में हम यहाँ पर 1 कप तिल ले रहे हैं। आप तिल कोई सा भी ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। बस हमें इसे गर्म पैन में 2 से 3 मिनट ही भूनना है, जब तक इसमें चट की आवाज़ नहीं आने लगती। बस अब ये चटचट की आवाज़ करने लगी है, इसका मतलब हमारा जो तिल है भुन चुका है। अब इसे पैन से निकाल लेंगे। तिल को ज़्यादा देर तक मत भूनिएगा, वरना इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। अब इसी पैन में हम मूंगफली को भी भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मूंगफली और इसे भी भून लेंगे। उसके बाद पैन से हटा लेंगे, एक प्लेट या बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद सबसे पहले हम तिल को ग्राइंड करेंगे। तो तिल को यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है। बारीक नहीं करेंगे, बस इसे दरदरा करेंगे। तिल के बाद हम मूंगफली को भी इसमें पीस लेंगे। आप चाहे तो इसके छिलके निकाल सकते हैं, पर मैं बिना छिलके निकाले ही इसे ग्राइंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मूंगफली को बारीक पीसा है। अब हम यहाँ पर एक पैन में गुड़ को पिघलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गुड़ और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और अब हमें गुड़ को पिघलाना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और गुड़ को पिघलने देंगे। इसी बीच हम इसमें 1 टेबल स्पून घी मिला देंगे। घी मिलाने से इसमें अच्छी चमक आएगी और साथ ही पैन से लगेगा भी नहीं। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे थोड़ा सा मेल्ट करना है। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद गैस को ऑफ करके हम इसमें तिल के पाउडर को और मूंगफली के पाउडर को मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो एक प्लेट में अलग से इसको निकाल कर रख लेना है और इसे ठंडा होने देना है। तो ये हमारा फिलिंग बनकर भी तैयार हो गया। अगर इसे और पका देंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी और जमने वाली कंसिस्टेंसी में हो जाएगी, तो हम इसकी गुजिया नहीं बना पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब जो डो है उसे हम अच्छे से मसल लेंगे और फिर से एक बार चिकना कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बाल से बनाकर रख लेंगे। गुजिया का शेप आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। बॉल्स को बनाकर एक बॉल में रख लेंगे और इसे ढक देंगे, जिससे कि सूखे नहीं। अब चकले या बेलन में हम एक बॉल्स को उठाएंगे, इसे थोड़ा चपटा करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तिल लिया है, तो इसको चपटा करके हम तिल को एक साइड इसमें लगा देंगे। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ये तिल नहीं लगाना है तो आप बिना तिल लगाए भी इसे गुजिया बना सकते हैं। तो तिल को मैंने इसमें लगा लिया है और तिल वाले हिस्से को ही हम बेलेंगे ऊपर से, जिससे चिपकेगी नहीं और आसानी से बेलने भी बनेगा।
तो यहाँ पर छोटी पूरी की साइज की मैंने इसे बेल ली है। अब जिधर हमने तिल लगाया था उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और जिधर तिल नहीं लगा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा तिल और मूंगफली के जो फिलिंग बनाई थी उसको रखेंगे और उसके किनारे को गुजिया का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे गुजिया का शेप देने के लिए किनारे से मोड़ भी सकते हैं, पर यहाँ पर मैं कांटे वाले चम्मच से साइड में डिजाइन बना रही हूँ जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जो तिल वाला भाग है उसको हमने ऊपर रखा है जिसके वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसी प्रकार से बाकी गुजिया को भी बनाकर रख लेंगे। अब एक पैन में हम तेल गरम करेंगे और तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करेंगे। उसके बाद हम गुजिया को इसमें डाल देंगे और मीडियम हीट में ही हमें गुजिया को फ्राई करना है। जितना गुजिया आ सकता है उतना एक बार में हम डाल देंगे। गुजिया को हम मीडियम हीट में फ्राई करेंगे। जब नीचे से थोड़ा सीख जाएगा तब चम्मच की सहायता से पलट देंगे और दोनों तरफ से इसे सुनहरा होने तक फ्राई करना है। अब जो जो गुजिया फ्राई होती जा रही है उसे हम निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे। और साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा तिल बाहर निकल गई है, इसे आप छान कर निकाल लीजिए। आप इसे चाहे तो पोहे में डालकर खा सकते हैं, आप इसे चावल में भी डाल सकते हैं या आप इसे दाल में भी डाल सकते हैं। तो ये जो बाहर तिल दिख रही है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, इसका भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से बाकी गुजिया को भी तल लेंगे। यहाँ पर मैंने गुजिया फ्राई कर लिया है। अब बहुत ही क्रिस्प और टेस्टी गुजिया बनी है, आप देख सकते हैं। इसे अंदर से तोड़कर भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो बाहर से तो क्रिस्प है लेकिन अंदर का जो फीलिंग है वो पूरी सॉफ्ट है और ऐसी ही सॉफ्ट रहती है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। ये गुजिया आप मकर संक्रांति में बना सकते हैं, लोहड़ी में भी बना सकते हैं और आप इसे पोंगल में बना सकते हैं और विंटर स्पेशल में तो आप इसे खा ही सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, बनाकर देखिएगा जरूर। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और भी बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ में एक नए वीडियो में मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।